हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 17 जून 2019 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फीफा 2019 रैंकिंग में भारत का कौन से स्थान पर है? भारत कौन से स्थान पर है फीफा 2019 रैंकिंग में? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 101 पोजीशन पर। 101 रैंकिंग है फीफा 2019 में भारत का, 101वां स्थान है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फीफा 2019 रैंकिंग में भारत का 101वां स्थान है। ओके, ओके, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पोजीशन पर जो है फीफा 2019 रैंकिंग में, बेल्जियम फर्स्ट पोजीशन पे है, फ्रांस सेकंड पोजीशन पे है और ब्राज़ील थर्ड पोजीशन में है। और भारत का कौन सा स्थान है? 101वां। ठीक है, 101 रैंकिंग है भारत का फीफा 2019 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ इंडियाज़ रैंकिंग इंडेक्स 2019 का रिवीजन करेंगे। तो इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपरेंडेंस 2019 में भारत 19वें स्थान पर है। इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपरेडनेस 2019 में भारत का 19वां स्थान है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2019 ये 17th पोजीशन पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में भारत 140वें स्थान पर है। और नॉर्वे जो है ये देश, ये सबसे टॉप पर रहा। ये हम लोग देख रहे हैं इंडियाज़ रैंकिंग इंडेक्स, इंडिया का भारत का क्या रैंकिंग है, रैंकिंग इंडेक्स है 2019 में, तो ये हम लोग देखेंगे। इसमें फर्स्ट देखिए, इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेडनेस 2019 में भारत का 19वां स्थान है। नेक्स्ट, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में 17वां स्थान है, ये हम लोग 2019 का देख रहे हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में भारत 140वें स्थान पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 140वें स्थान। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 201 से 76वें स्थान पर है। और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 से 14वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कि किम्बर्ली प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग, किम्बर्ली प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग कहाँ पर की जाएगी? तो किम्बर्ली प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी भारत में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। किम्बर्ली प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग ये कहाँ आयोजित की जाएगी? ये भारत में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मीटिंग जो है ये 17 जून 2019 तक बम्बई में आयोजित की जाएगी। ये जो मीटिंग है ये 17 से 21 जून तक, ये 2019 तक ये कहाँ पे? मुंबई में आयोजित की जाएगी। किम्बर्ली प्रक्रिया एक संयुक्त पहल है जिसमें सरकार, अंतर्राष्ट्रीय हीरा उद्योग और नागरिक समाज शामिल है, जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड के प्रवाह को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुमन राव। सुमन राव ने इन्होंने मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता है। सुमन राव जो हैं ये राजस्थान की रहने वाली हैं। सुमन राव ये राजस्थान की रहने वाली हैं। और 2018 का खिताब किसने जीता था? अनुकृति व्यास ने। ओके, ये अनुकृति व्यास ने 2018 का खिताब जीता। और जो सुमन राव हैं ये राजस्थान के रहने वाली हैं, इन्होंने 2019 मिस इंडिया का खिताब जीता। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने 300 स्मार्ट गौशालाओं के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस राज्य ने 300 स्मार्ट गौशालाओं के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 300 स्मार्ट गौशालाओं के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य सरकार अगले 5 वर्षों में 300 स्मार्ट गौशालाओं के निर्माण का वादा करने वाली कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रही है। कौन? मध्य प्रदेश सरकार। ओके, कंपनी ने इसके लिए सरकार से पैसे ये नहीं लेगी, बल्कि गौमूत्र, गोबर और गाय के पूंछ के बालों से बनी वस्तुओं का निर्यात करके पैसा कमाएगी।
ठीक है। एमपी जो गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में 300 स्मार्ट गौशालाओं के निर्माण का वादा करने वाली कंपनी के साथ इन्होंने समझौता ज्ञापन पर ये हस्ताक्षर करने जा रही है, और कंपनी इसके लिए सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से पैसे नहीं लेगी, बल्कि गौमूत्र, गोबर तथा गाय के पूंछ के बालों से बनी वस्तुओं का निर्यात करके पैसा कमाएगी। और कंपनी ने इसके लिए 50 एकड़ ज़मीन मांगी है और उनमें से प्रत्येक गौशाला पर 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने कौन सी पर्वत चोटी के बालकनी एरिया में मौसम स्टेशन स्थापित किया है? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने कौन सी पर्वत चोटी के बालकनी एरिया में मौसम स्थापित किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। ओके, माउंट एवरेस्ट पर बालकनी एरिया में मौसम स्टेशन स्थापित किया है किसने? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस क्रिकेटर को ऑनलाइन फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म बल्लेबाजी.com ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑनलाइन फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म बल्लेबाजी.com ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है किसको? युवराज सिंह को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। युवराज सिंह को ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है किसने? बल्लेबाजी.com फैंटेसी, ऑनलाइन फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म है ये, बल्लेबाजी.com ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है युवराज सिंह को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी। ओके, ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर है MS धोनी। और नेक्स्ट देखिए, इसरो ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत अंतरिक्ष में किस वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक इसरो ने घोषणा की है कि भारत अंतरिक्ष में ये अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा। अभी अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन काम कर रहे हैं। देखिए, भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में अभी इस समय 2 स्पेस स्टेशन काम कर रहे हैं। पहला जो है ये अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और जापान के सहयोग से चलाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, ठीक है। और सेकेंड जो है चीन का तियानगोंग 21 चीन का, और फर्स्ट पे अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और जापान के सहयोग से चलाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में ये अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और जापान ये मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन चला रहे हैं, और चीन का स्पेस स्टेशन है अंतर्राष्ट्रीय तियानगोंग 21। ओके, नेक्स्ट है इसरो प्रमुख कौन है? इसरो के प्रमुख है के शिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच जुलाई में वायुसेना अभ्यास वरुण आयोजित किया जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। भारत और फ्रांस देश के बीच जुलाई में वायुसेना अभ्यास वरुण आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, इसरो अपना चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च करेगा? इसरो अपना चंद्रयान 2 मिशन ये लॉन्च करेगा 15 जुलाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, 15 जुलाई को ये इसरो अपना चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च करेगा। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन के अनुसार भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 2 15 जुलाई प्रातः 51 बजे को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन के अनुसार भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 2 15 जुलाई को प्रातः 51 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। भारत का दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 पिछले चंद्रयान 1 मिशन का उन्नत संस्करण है, जिसे लगभग 10 वर्ष पहले लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 अपने साथ 13 वैज्ञानिक उपग्रह, लगभग 8 टन वजन ले जाएगा और चंद्रमा के दक्षिणी भाग की खोज करेगा, ठीक है। भारत का दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 पिछले चंद्रयान 1 मिशन का संस्करण है, जिसे लगभग 10 वर्ष पहले लॉन्च कर दिया गया था चंद्रयान 2 को, और चंद्रयान 2 अपने साथ 13 वैज्ञानिक
उपग्रह ले जाएगा और चंद्रमा के दक्षिणी भाग की खोज करेगा। अब हम लोग देखेंगे चंद्रयान 2 के बारे में क्या क्या जानकारियां हैं। चंद्रयान 2 जो है ये भारत को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बना देगा और यह उपलब्धि केवल अमेरिका, USSR और चीन की अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा हासिल की गई है। जुजाना कैपुटोवा हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये स्लोवाकिया की, ये है जुजाना कैपुटोवा स्लोवाकिया की पहली राष्ट्रपति महिला, पहली महिला राष्ट्रपति बनी, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए स्लोवाकिया जो है, सॉरी स्लोवाकिया मध्य प्रदेश के एक लैंडलॉक मध्य यूरोप के सॉरी स्लोवाकिया मध्य यूरोप के में एक लैंडलॉक देश है और ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी है। स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा। और यूरो स्लोवाकिया में आधिकारिक मुद्रा है। तो स्लोवाकिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी कौन? जुजाना कैपुटोवा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के केरांदुल लौह अयस्क खान में आदिवासियों ने खनन का विरोध किया, क्योंकि उनके मुताबिक जिस पहाड़ में खनन किया जा रहा है वह उनकी देवी पिथौर रानी का आवास है। तो आदिवासियों ने खनन का विरोध किया केरांदुल लौह अयस्क खान में, कहां पर? छत्तीसगढ़ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टूडेंट्स, ताकि इस चैनल पर जितने भी अपडेट किए जा रहे हैं वो आप लोग को मिलते रहें। अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि जिसको भी ज़रूरत होगा, जो लोग भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ज़रूर से इसको लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलना इस चैनल को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। हाल में किस राज्य के किसानों ने अकोली जहांगीर गांव में अनधिकृत रूप से हर्बिसाइड टॉलरेंट HTBT कॉटन की खेती किए जाने के खिलाफ जून 2019 में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया, तो ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, किस राज्य में हाल ही में एशियाटिक गोल्डन कैट 6 रंगों में खोजी गई है, तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उप वर्गीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, तो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जी रोहिणी। नेक्स्ट, फलस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने किस भारतीय नागरिक को स्टार ऑफ यरूशलम से सम्मानित किया है, तो शेख मोहम्मद मुनीर अंसारी। और नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो स्टूडेंट्स, कर्नाटक का पहला और सौर ऊर्जा संचालित ग्राम पंचायत बन गया है, ODP जिले के कुंडापुरा तालुक में अमासेबेलू। ओके, कर्नाटक का पहला सौर ऊर्जा संचालित ग्राम पंचायत क्या बना है? उडुपी जिले के कुंडापुरा तालुक में अमासेबेलू, ये है कर्नाटक का पहला सौर ऊर्जा संचालित ग्राम पंचायत अमासेबेलू। ये कहाँ है? उडुपी जिला है कोई कर्नाटक में, उसमें कुंडापुरा कोई जगह है, वहाँ पर अमासेबेलू कोई स्थान है, वहाँ पर ये बन चुका है ऊर्जा संचालित ग्राम पंचायत, सौर ऊर्जा संचालित ग्राम पंचायत। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रही हूँ। आप लोग प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।